हार्ड मीटिंग हेलो फ्रेंड्स भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विधायक की छोड़ अखिलेश यादव लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव दोस्तों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्र में समाजवादी पार्टी बीआईपी माने जाने वाली लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरना चाहते हैं इसके लिए बात भी चल रही है दोस्तों लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के बाद अखिलेश ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि नवरात्रि में करीब एक दर्जन सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी इसमें भाजपा की वी आई पी सीटें भी शामिल होंगी उनका इशारा प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी के साथ ही गोरखपुर अयोध्या मथुरा व प्रयागराज सीटों पर भी था दोस्तों अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा हमारे बीआईपी को हराने का प्लान बना रही है तो हम उनके बीआईपी को हराने की रणनीति और सिर्फ पहले ही तैयारी कर चुके हैं बल्कि घोसी के उपचुनाव में इसे साबित भी कर चुके हैं हम पीडीए के साथ मिलकर भाजपा को उसकी वी सीटों पर भी हराएंगे अखिलेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ें मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी संगठन ने विधानसभा चुनाव को लेकर बात की है उन्होंने हमें कुछ सीटों के नाम और प्रत्याशी भी सुझाए हैं दोस्तों नवरात्रि में जिन एक दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात चल रही है उनमें कन्नौज भी शामिल होगा यहाँ से अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की पूरी संभावना है इसके अलावा समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी फ़िरोजाबाद आजमगढ़ व बदायूं सीट पर भी प्रत्याशी घोषित तो होंगे इन सीटों पर मुलायम सिंह परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ते रहे हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच